प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इस दौरान न्यू एयर इंडिया एयरबस के बीच एयरक्राफ्ट की डील हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के दौरान कहा कि यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। साथ ही उन्होंने एयर इंडिया और एयरबस की डील के लिए राष्ट्रपति मैक्रों का धन्यवाद भी किया। हिंडनबर्ग अडानी विवाद पर गृहमंत्री अमित शाह ने पहली बार बयान दिया। उन्होंने ANI पॉडकास्ट पर दिए इंटरव्यू में कहा कि इस पर कोई कमेंट करना सही नहीं होगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसमें बीजेपी के लिए छिपाने जैसी कोई बात नहीं है और न ही डरने की जरूरत है। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कोर्ट क्यों नहीं जाते। जब पेगासस का मुद्दा उठाया गया था तो मैंने कहा था कि सबूत के साथ कोर्ट जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा नागालैंड के बाद चुनाव प्रचार के लिए मेघालय पहुंचे और रैली को संबोधित किया। नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। आज पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि हम उन 40 CRPF शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए थे। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह की बुद्धि फेल हो गई है। वो आर्मी को अपमानित कर रहे हैं और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा की और लिखा कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी को मिलकर उनसे देश को बचाना है। कुछ दिनों पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी केजरीवाल से मुलाकात की थी। यूपी के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत पर सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने घटना को जाति वाला रंग दे दिया और योगी सरकार में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उधर विपक्ष के हमले के बीच डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से बात की और न्याय का भरोसा दिलाया। मामले में कार्रवाई करते हुए SDM को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ थानाध्यक्ष, 4 लेखपालों, 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों सहित 39 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। छतरपुर का बागेश्वर धाम एक बार फिर सुर्खियों में है। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर यज्ञ शुरू किया है जो 7 दिनों तक चलेगा। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलने वाले यज्ञ में हर रोज 50 से ज्यादा लोग आहुति दे रहे हैं। इस यज्ञ की पूर्णाहुति 17 फरवरी को होगी। पूरे बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने के पोस्टर भी लगे हुए हैं।